हेलो गाइस वेलकम बैक और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन में जो डिस्ट्रक्टर होता है उसके बारे में तो जैसा कि आप सबको पता होगा यदि आपने इससे पहले सी प्लस प्लस या जावा पढ़ी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई प्रोग्रामिंग यदि आपने पढ़ी होगी तो उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट्स को हम जितने भी रिसोर्सेज या जितने भी वेरिएबल्स वगैरह प्रोवाइड करके रखते हैं एक टाइम के बाद जब उनकी नीड नहीं होती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को फ्री करवा देते हैं ताकि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारी मेमोरी सब कुछ फ्री हो पाए ठीक है तो प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं तो अब यहाँ पर आपके पास में एक नई चीज आई है अगेन जैसा कि पाइथन में कंस्ट्रक्टर का नाम जो था वो क्लास के नाम से मेल नहीं खाता था वैसे ही डिस्ट्रक्टर का भी नाम क्लास के नाम से मैच नहीं करेगा ठीक है यहाँ पर डिस्ट्रक्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट करना है तो हम डेल मेथड जो होती है उसको यूज करेंगे तो so, चलिए हम वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं बट यदि इससे पहले आपने क्लास ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख के आओगे ताकि ये आपको क्विकली समझ में आ जाएगा तो चलिए तो ये जब है डिस्ट्रक्टर भी कैसा होगा ऑटोमेटिकली कॉल होगा कब कॉल होगा जब आपको ऑब्जेक्ट आपको डिस्ट्रॉय करना है जब आप डेल मेथड को कॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है कॉल हो जाएगा डिस्ट्रक्टर्स जो है पाइथन में बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है जैसा कि सी प्लस प्लस में था बट पाइथन जो है उसमें गार्बेज कलेक्टर होता है जो क्या करता है मेमोरी मैनेजमेंट कर लेता है एंड अगेन मेमोरी मैनेज क्यों करवा रहे हैं तो क्योंकि जो रिसोर्सेज जो वेरिएबल्स की अब नीड नहीं है जिस ऑब्जेक्ट की तो उनके लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करवा के रखना एक वेस्टेज होगा मेमोरी का ठीक है तो इसीलिए हम क्या करवा लेते हैं उसको फ्री करवा देते हैं तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपके पास में जो डेल मेथड है इसके आगे भी आपको लाइन किसी भी दिख रही है वो सिंगल अंडर स्कोर नहीं है डबल अंडर स्कोर ठीक है ठीके? तो डेल की वर्ड से पहले भी डबल अंडर स्कोर और उसके बाद में भी डबल अंडर स्कोर तो इस मेथड का यूज किया जाएगा डिस्ट्रक्टर के लिए सो इट इज कॉल्ड वैन कब कॉल होगी जब भी आपको क्या करना है अपने ऑब्जेक्ट को डिलीट करवाना है ठीक है और जब भी उसको गार्बेज कलेक्टर से उसकी जो मेमोरीज है वो फ्री करवानी है तो सिंटेक्स देख लो अभी तक हम क्योंकि पाइथन में आपको मैंने फंक्शन बनाना भी बता दिया था तो हमने ये देखा था कि जब हम फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन को हम डीईफ की वर्ड से डिफाइन करते हैं तो अगेन ये जो डेल है ये भी एक फंक्शन है मेथड है है ना तो इसके आगे भी डीई एफ लिखोगे डबल अंडर स्कोर डेल बाद में भी डबल अंडर स्कोर और जैसा कि हमारी क्लास की किसी भी मेथड में होता है कि यहाँ पर आपको सेल्फ नाम का एक आर्ग्यूमेंट देना ही होता है ठीक है तो यहां पर भी हम क्या करेंगे सेल्फ नाम का एक आर्ग्यूमेंट देंगे ये सेल्फ किसको डिनोट करेगा करंट ऑब्जेक्ट को जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप इस डिस्ट्रक्टर को कॉल करवा रहे हो उस ऑब्जेक्ट को वो यहाँ पर होल्ड करके रखेगा ऑटोमेटिकली ठीक है और यहां पर क्या आएगा हमारा इंडेंट करने के बाद में डिस्ट्रक्टर की बॉडी में आपको जो भी लिखवाना हो जितने भी स्टेटमेंट हो सारे आप यहाँ पर लिख देंगे तो चलिए फटाफट से हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको चीजें और इजिली समझ में आए तो आप देखिए यहां पर इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया क्लास ली है उस क्लास का नाम लिया है एम्प्लॉय फिर से कह रही हूँ यदि क्लास वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको पढ़ के होता है, है आगे ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगाए उन सारों के आंसर मिलेंगे उन वीडियो में ठीक है तो हमने क्लास के अंदर आए यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया और क्या प्रिंट करवा दिया है एम्प्लॉय क्रिएटेड जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा दूसरा हमने क्या किया ये तो कंस्ट्रक्ट हो गया कंस्ट्रक्टर दूसरा बनाया हमने डिस्ट्रक्टर ये देखो इसका नाम है डेल ठीक है कंस्ट्रक्टर में भी एक सेल्फ नाम का आर्ग्यूमेंट है जो करंट ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा और यहां पर भी और इसके अंदर प्रिंट करवा दिया हमने डिस्ट्रक्टर कॉल्ड और एम्प्लॉय डिलीटेड अब क्या हुआ जो अपनी क्लास बना रखी थी उसमें यहां तक का कंप्लीट हो गई क्लास अब हमने इंडेंटेशन छोड़ दी हम इससे बाहर आ गए मतलब हम क्लास से बाहर आ गए क्योंकि आपने ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है ये इस क्लास की सीध में लिखा है स्पेस देकर नहीं लिखा और यही चीज ये बताती है कि ये क्लास के ब्लॉक से बाहर आ गया है ठीक है तो यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पता कैसे चला क्योंकि यहाँ क्लास का नाम लिखा हुआ, हुआ है फंक्शन ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो लेफ्ट साइड जो भी होगा वो क्या बनेगा एक ऑब्जेक्ट अब हमने उस ऑब्जेक्ट को जैसे ही बनाया तो ऑटोमेटिकली कौन कॉल हुआ ये इनिट वाली मेथड तो क्या प्रिंट होगा एम्प्लॉय क्रिएटेड ठीक है ये आउटपुट में आप देख सकते हो पहले प्रिंट हुआ एम्प्लॉय क्रिएटेड उसके बाद में क्या हुआ फिर हमने किया डेल डेल और ऑब्जेक्ट का नाम डिस्ट्रक्टर को ऐसे कॉल करेंगे ठीक है तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने डेल को कॉल किया तो ये जो ओबीजे था ये किसमें तो इसने डेल मेथड ने इसको पहचान लिया और उसके सारी मेमोरी लोकेशंस वगैरह सब डिलीट कर दी सब फ्री करवा दिया ठीक है गार्बेज कलेक्टर ने सारी मेमोरी मैनेजमेंट कर लिया और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा डिस्ट्रक्टर कॉल्ड एम्प्लॉय डिलीटेड तो ये था हमारा पाइथन में डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी यदि समझ में आई हो तो आप जरूर से कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज मुझे मोटिवेट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल और यदि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर उस वीडियो को रिक्वेस्ट कीजिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक पर आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आए सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में